भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज कुछ करने की रात्रि है। तंत्र में जितनी भी रात्रियां हैं उसमें सबसे ज्यादा महत्व होली के रात्रि का होता है, या होलिका दहन की रात्रि का। होलिका दहन क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन होलिका का वध हुआ था। प्रहलाद को गोद में लेकर के वो जिंदा जलाने गई थी, लेकिन नारायण का ऐसा आशीर्वाद था प्रहलाद को कि होलिका जल गई और प्रहलाद जो है वो जिंदा निकल गया। तो जब आप होलिका दहन करते हैं तो वो मुख्य रूप से आज के डेट में तो लोग इंटरटेनमेंट के रूप में उन होलिका दहन करते हैं, लेकिन पहले बड़ा इसका एक हिसाब होता था कि गाँव के बाहर चौराहे पे जा करके होलिका दहन होता था, और जो बड़े थे वो जाते थे होलिका दहन में, ठीक है। और जब होलिका दहन करके लौटते थे तो जैसे चिता को नहीं देखते हैं, वैसे ही होलिका को जलते हुए आप पीछे मुड़ के नहीं देख सकते थे। और ये रात्रि जो है तंत्र की महारात्रियों में इसकी गिनती होती है। जिस साधना, जिस विधान, जिस मंत्र को करने में कई दिन लग जाए, कई मालाओं की गिनती लग जाए, ऐसी साधनाएं एक रात्रि में सिद्ध हो जाती है। आज वैसा ही एक मंत्र मैं आपको देने वाला हूँ। इसका विशेष उपयोग जो है, मतलब ये सिद्ध होता है चाहे तो आप किसी एक्लिप्स में, ग्रहण में कर ले, या फिर जो होली या दीपावली की रात में, ये सबसे ज्यादा कार्य करता है। ये सुग्रीव का मंत्र है। सुग्रीव कौन थे? सुग्रीव बाली के भाई थे। और सुग्रीव, जब आप कोई भी जब इतिहास पढ़ते हैं, जब हिंदू सनातन धर्म के विषय में पढ़ते हैं, तो आप एक चीज गौर करेंगे कि हर एक वाक्य वो कुछ ना कुछ प्रेरणा देने वाला होता है। बहुत सारी घटनाएं प्रेरणादायक होती हैं, तो सुग्रीव एक ऐसी प्रेरणा है जिसमें आप उस हर मनुष्य को रख सकते हैं जिसने जीवन में सब कुछ सही किया लेकिन उसके साथ सिर्फ गलत ही हो रहा है, ठीक है। जब बाली युद्ध कर रहा था तो सुग्रीव ने पूरी प्रजा को संभाला, बाद में एक दुर्भावना बाली के मन में आया और सुग्रीव को मारने के लिए दौड़ा, तब सुग्रीव को श्री रामचंद्र ने बचाया। तो कथा का अर्थ ये है कि जब पूरा विषम परिस्थिति हो जाए और जब सब आपके विरोध में हो जाए और आप सत्य मार्ग पर हैं तो भगवान खुद आते हैं आपको बचाने, ठीक है। तो अगर आप सत्य मार्ग में हैं और आप विषम परिस्थिति में फंस जाएं या किसी को विषम परिस्थिति से निकालना है तो इस मंत्र से आप जो है पूजन करेंगे। इसको सिद्ध करने के लिए क्या करना है? इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले होलिका जलाने का प्रबंध करना है, ठीक है। तो जहां भी होलिका जल रहा हो चाहे तो वहां चले जाइए, या फिर अपने तरफ से होलिका दहन करिए कहीं पर रात में 9 बजे के बाद, ठीक है। और जब वहां से लोग चले जाएं तो काला वस्त्र और जमीन ही आसन होगा, आसन नहीं बिछाएंगे, ठीक है। और जो लोग अघोर आसन में बैठ सकते हैं उनके लिए सर्वोत्तम है, अघोर आसन में बैठ करके इस हवन को करेंगे। जाप जैसा कुछ होगा नहीं। बाएं हाथ में आप 4 माला गिनेंगे, मतलब 4 माला में जितना गिनती होता है 108 × 4, ठीक है। और दाहिने हाथ से आप हवन करेंगे, ठीक है। हवन में जो मीठी वस्तुएं हैं, कौन कौन सी? 5 मीठी वस्तुएं आप लोगों को देनी पड़ेंगी। एक तो है केला, केला बिल्कुल ही अनिवार्य है, ठीक है। दूसरा है लड्डू, तीसरा है बतासा, चौथा है चावल, जो बिना बॉईल किया हुआ चावल होता है ना, मार्केट में 2 वैरायटी का चावल मिलता है, एक को जैसे बासमती है तो आप बासमती मिला सकते हैं, ठीक है। और पांचवा है गुड़। इन 5 चीजों को मिला करके आप हवन समिधा तैयार कर लेंगे, ठीक। और उसके बाद जो है आपका मुख दाहिने की तरफ होना चाहिए। मंत्र को जो है आप हवन करने से पहले याद कर लेंगे। उसके लिए क्या करना है कि संध्या में अपने घर में एक दीपक जो है सरसों के तेल का बना लेंगे, ठीक है।
और जब तक वो दीपक जल रहा है तब तक इस मंत्र को याद करेंगे, सामने में देख के लिख के पढ़ के। हाँ, और जब ये दीपक बुझ जाएगा उसके बाद आप याद नहीं करेंगे इस मंत्र को, उसके बाद सीधे चले जाएंगे साधना स्थल पर। जब सब वहाँ से चले जाएंगे तो इसी दीपक में, उसी बाती में जो जला हुआ था उसको पुनः जलाएंगे, उसमें फिर सरसों का तेल देंगे, कोई भी एक सुगंधित जो है अगरबत्ती या धूप वहाँ रख देंगे। हाँ, और जाप शुरू करेंगे। मंत्र में 3 बार बोल रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनेंगे। ओम ह्रीम ऐं क्लीं सौमः सुग्रीव देवाय क्रौं ठः क्रूं ठः ह्रीं ठः स्वाहा। फिर से सुनिए। ओम ह्रीम ऐं क्लीं सौमः सुग्रीव देवाय क्रौं ठः क्रूं ठः ह्रीं ठः स्वाहा। फिर से सुनिए एक बार। ओम ह्रीम ऐं क्लीं सौमः सुग्रीव देवाय क्रौं ठः क्रूं ठः ह्रीं ठः स्वाहा। और जैसे जैसे एक एक मंत्र होता जाएगा तो ये जो मिश्रण आपने रखा है इसका दाहिने हाथ से हवन करते जाएंगे। चौथा माला समाप्त होते होते आपको आभास होने लगेगा कि आसपास में कोई है, ठीक है, तो इसमें डरना नहीं है। और जिसको लगता है कि उनको डर लगेगा तो जो नरसिंह का मंत्र है, उग्रवीरम महाविष्णु ज्वलतांग सर्वतो मुखांग नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्युम नमामि हम स्वाहा। इस मंत्र से हल्दी लेकर के जहाँ आप बैठेंगे एक घेरा बना लेंगे, ठीक है। तो अगर कोई प्रत्यक्ष आपको करने के लिए भी आएगा तो वो इस घेरे में नहीं आएगा, आपके आसपास रहेगा, ठीक है। जब आप इसको 4 माला जाप कर लेंगे आपको आभास होगा, आज की रात आपको आभास होगा शक्ति का, ठीक है। और जब ये आभास हो जाएगा तो आप उस समय कुछ मांगेंगे नहीं, ये शक्ति आपके साथ हो गई ये समझ लेना है, ठीक। इसके बाद आप जहाँ पर फंसे हों, जैसे कि कोई ऐसे प्रियजन हो जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया वो आपके लिए नहीं कर रहे हैं, बैंक का कोई काम फंसा हो, कोर्ट का कोई काम फंसा हो, ठीक है, तो कोर्ट चले गए वहाँ पर बैठे बैठे इसका 108 जाप कर लिया, बैंक चले गए उसका 108 जाप कर लिया, या जो प्रियजन है कोई भाई है कोई किसी का पिता से नहीं पट रहा है तो वो उनके घर में बैठ करके चुपचाप ये 1 माला जाप कर लेंगे बाएं हाथ में, ठीक है। और इतना करने से जो भी कार्य फंसा हुआ है वो तुरंत हो जाएगा। मान के चलिए किसी के लिए ये कार्य आपको करना है, ठीक है, तो आप एक माला रखें रुद्राक्ष की, उस पर ये मंत्र किसी के नाम से, जैसे अमुक का ये कार्य हो जाए, ठीक है, अपना नाम लेते हुए साधक का नाम, ये मैं संकल्प लेता हूँ कि ये कार्य पूर्ण हो जाए ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ, वो 1 माले में आप जाप करके और फिर उसको वापस लौटा मतलब दे दीजिए कि भैया आपका काम हो जाएगा तो आप ये माला मुझे वापस दे दीजिए। तो जैसे उसका कोर्ट का कार्य है, घर का कार्य है, जो भी है, वो जब उसका काम पूरा हो जाए तो सिद्धांत अनुसार वो माला आपके पास वापस आ जाना चाहिए। एक ही माला सबके लिए प्रयोग होगा, ठीक है। और जैसे माला वापस आए तो फिर उसको क्या है कि धुना जो होता है, अगर साधक है तो हवन कुंड आपके पास होगा, और अगर आप साधक नहीं हैं तो किसी भी मंदिर में जा करके या किसी भी श्मशान में जा करके 1 रुपये दे करके वहाँ से थोड़ा भस्म ले लें। जैसे किसी के पास से ये माला वापस आए तो कभी भी उसको घर में तुरंत नहीं घुसाइएगा, उसको बाहर ही लेकर के पहले गंगा जल या जल से धो के उसमें थोड़ा सा जो हमने भस्म लिया है उस भस्म से उसको पूरा रगड़ के साफ कर लेंगे, उसमें थोड़ा सा इत्र लगाएंगे, फिर वापस लाएंगे, फिर किसी का प्रयोग होगा तो उसको देंगे। खुद आपको इस माले का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस जहाँ पर भी आप बैठेंगे जाप कर लीजिएगा, आपका कार्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही एक उत्तम साधना है जो एक रात में सिद्ध होता है, और बहुत लोग हैं जो कि फंसे हुए रहते हैं किसी ना किसी चीज़ में, उन सबको उन सब बाधा से ही बाहर निकालता। दूसरा क्या है कि एक रात्रि में आपको आभास भी होता है कि अघोर में क्या शक्ति है, तो देखिए इस साधना को करके देखिए आपको समझ में आएगा कि आसपास जो है कोई जीव जंतु या कोई जो है प्राणी आपके आसपास विचरेगा, कभी कभी लगेगा बंदर है आपके आसपास,
ऐसे जगह रह रहे हैं जहाँ बंदर ही नहीं है, या फिर कोई ऐसा जीव आपको समझ में आएगा, आपके बगल से कोई पार कर जाए, तो हृदय को बिल्कुल मजबूत रख करके आप सभी ये साधना को कीजिए और बहुत आपको कृपा की प्राप्ति होगी। एक साधना करिए साल भर, एकदम दंदन आते रहिए, फिर अगले साल इसको रिपीट कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। भगवान भैरव और हनुमान जी आप सभी की रक्षा करें, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अलख आदेश। देवराज सेव्यमान पावनाग्रि पंकजं व्यालय यज्ञ सूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं।